नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त महेश आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम जानकारी हासिल करेंगे मेरे कलेक्शन में 50 पैसे के सिक्कों के बारे में। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात RBI ने कुल 18 तरह के 50 पैसे के सिक्के जारी किए थे। अब तक मेरे पास उनमें से 16 किस्म के सिक्के मौजूद हैं। हमारा आज का वीडियो का पहला सिक्का प्री डेसिमलाइजेशन के समय का है। ये सिक्का 1950 से लेकर 1956 यानी 1956 तक इशू किया जाता रहा और ये निकल का बना हुआ था। इसका वेट 5.78 ग्राम्स का था, डायमीटर 24 mm और थिकनेस 1.7 mm की थी। इस सिक्के में 50 पैसे के जगह पर आधा रुपया लिखा हुआ था। ये डेसिमलाइजेशन के पूर्व इशू किया गया था। हमारा आज का दूसरा कॉइन स्टैंडर्ड सर्कुलेशन कॉइन है। ये 1957 से लेकर 1963 तक इशू किया जाता रहा। ये निकल का बना हुआ सिक्का 5 ग्राम वेट में था और डायमीटर 24 mm की और थिकनेस 1.67 mm की थी। हमारा अगला सिक्का श्री जवाहरलाल नेहरू के पुण्यतिथि को समर्पित था। ये सिक्का दो किस्मों में आया। ये पहला 1964 में जो जारी किया गया था, ये हिंदी लीजेंड यानी हिंदी में जवाहरलाल नेहरू लिखा हुआ था, और इसी तरह का सिक्का इशू किया गया था जो कि इंग्लिश में जवाहरलाल नेहरू लिखा गया था। ये सिक्का जैसा कि मैंने कहा 1964 में जारी किया गया था। ये निकल का सिक्का 5 ग्राम वेट में था, डायमीटर 24 mm और थिकनेस 1.4 mm की थी। अगला सिक्का महात्मा गांधी के जन्म के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 1969 यानी 1969 में इशू किया गया था। ये निकल का सिक्का 5 ग्राम का था और डायमीटर 24 mm की थी और थिकनेस 1.4 mm। अगला सिक्का भारत की स्वतंत्रता के 25 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 1972 में इशू किया गया था। ये कॉपर निकल का बना हुआ था और इसका वेट 5 ग्राम का था, डायमीटर इसकी 24 mm की थी और थिकनेस 1.5 mm की थी। अगला सिक्का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो मोर फूड के नाम से जाना गया। ये 1973 में इशू किया गया कॉपर निकल का सिक्का था और ये वेट में 5 ग्राम, डायमीटर 24 mm और थिकनेस 1.6 mm की थी। अगला सिक्का स्टैंडर्ड सर्कुलेशन कॉइन 1974 से लेकर 1983 तक इशू किया गया था। ये कॉपर निकल का बना हुआ सिक्का 5 ग्राम वेट में था और डायमीटर 24 mm की थी और थिकनेस 1.37 mm की। हमारा अगला सिक्का 1982 में जारी किया गया नेशनल इंटीग्रेशन का सिक्का था। ये कॉपर निकल का सिक्का वेट में 5 ग्राम्स का था, डायमीटर 24 mm और थिकनेस 1.65 mm की थी। अगला सिक्का 1984 से लेकर 1990 तक इशू की गई स्टैंडर्ड सर्कुलेशन कॉइन थी। ये कॉपर निकल का बना हुआ सिक्का वेट में 5 ग्राम का था, डायमीटर 24 mm और थिकनेस 1.5 mm की थी। अगला सिक्का RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गोल्डन जुबली यानी 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 1985 में इशू किया गया था। ये कॉपर निकल का सिक्का वेट में 5 ग्राम का था, डायमीटर 24 mm और थिकनेस 1.5 mm की थी। अगला सिक्का श्रीमती इंदिरा गांधी के पुण्यतिथि को समर्पित था। ये सिक्का 1985 में इशू किया गया था। कॉपर निकल का बना हुआ सिक्का 5 ग्राम वेट में था और डायमीटर 24 mm की थी और थिकनेस इसकी 1.5 mm की थी। अगला सिक्का भी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को समर्पित था। ये सिक्का फिशरीज़ के नाम से इशू की गई थी। ये 1986 में इशू किया गया कॉपर निकल का सिक्का 5 ग्राम वेट में था और डायमीटर 24 mm की थी और इसका थिकनेस 1.5 mm। अगला सिक्का 1988 से 2007 यानी 2007 तक इशू किया जाता रहा। ये स्टेनलेस स्टील का सिक्का वेट में 3.8 ग्राम्स का था, डायमीटर 22 mm की थी और थिकनेस 1.45 mm की थी। अगला सिक्का 1997 में भारत
की आज़ादी के 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इशू किया गया था। ये स्टेनलेस स्टील का सिक्का वेट में 3.8 ग्राम्स का था, डायमीटर 22 mm और थिकनेस 1.4 mm की थी। अगला सिक्का मुद्रा इशू 2008 से लेकर 2010 तक इशू किया गया था और ये स्टेनलेस स्टील का सिक्का 3.8 ग्राम्स का था, डायमीटर 22 mm और थिकनेस 1.62 mm की थी। 2011 से लेकर 2016 तक इशू किया गया 50 पैसे का सिक्का सबसे छोटा सिक्का अब तक का है और ये स्टेनलेस स्टील का सिक्का वेट में 2.9 ग्राम्स का है, डायमीटर 19 mm और थिकनेस 1.5 mm की है। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।